नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है फार्मा ट्रेनो पर और मैं हूं पंकज पाठक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं सुंदर पिचाई का 10 रूल जो उन्हें सफलता के उस शिखर तक पहुंचाया जहां तक लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा सुंदर पिचाई के लाइफ से जुड़े 10 रूल जो उन्हें सक्सेस सफलता दिलाने में काफी हेल्पफुल साबित हुए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सुंदर पिचाई का जो पहला रूल था वो क्या था। तो सुंदर पिचाई का पहला रूल था वो था थिंक अबाउट व्हाट नेक्स्ट, यानी आगे क्या करना है इसके बारे में सोचिए। सुंदर पिचाई कहते हैं कि अगर आपको सफल होना है तो आगे क्या करना है इसके बारे में आपको सोचना चाहिए और आप वो सोचिए जरूर। दूसरा क्या है, वो कहते हैं एम्पावर पीपल, लोगों को ऐसा बनाइए कि लोग सक्षम हों। अगर लोग सक्षम होंगे, यानी जो आपके आसपास के लोग हैं वो अगर सक्षम होते हैं तो आपको सफलता दिलाने में वो काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। तीसरा जो सक्सेस का रूल है सुंदर पिचाई का, वो कहता है आइडिया मैटर्स, यानी जो विचार है वो विचार बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं हमें सफलता दिलाने में। लोगों के विचार भी हमें सफल बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, यानी युक्तियाँ आइडियाज़ जो भी युक्तियाँ हम लगाते हैं वो चाहे वो किसी भी एंड से हमारे पास आती हैं वो बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करती हैं हमें सक्सेस दिलाने में। इसके बाद कहते हैं सुंदर पिचाई टेक रिस्क, जो फोर्थ रूल है वो कहता है रिस्क लीजिए। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, इसलिए आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना बहुत जरूरी है। सुंदर पिचाई का चौथा सक्सेस रूल यही कहता है टेक रिस्क। पांचवा सक्सेस रूल की बात करें तो वो कहता है बी एन ऑप्टिमिस्ट, किसी भी चीज के आगे की तरफ देखिए, ना कि उसके पीछे। पीछे आपने क्या किया इसके बारे में न सोच करके आगे आप क्या करने वाले हैं ये देखना बहुत जरूरी होता है सफल होने के लिए। इसके बाद बात करते हैं छठे रूल की, और छठे रूल में सुंदर पिचाई कहते हैं सॉल्व प्रॉब्लम्स, समस्याओं का समाधान करिए। समस्याएं आती रहेंगी और वो हमें हमारे लक्ष्य से भटकाती रहेंगी। अगर हम उन समस्याओं के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो हमें डाइवर्ट कर देंगे, लेकिन अगर हम उस समस्या को सुलझाना शुरू कर देंगे तो हमें नए रास्ते उत्पन्न करके देगी, वो नए रास्ते बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। इसके बाद कहते हैं सातवें रूल में फॉलो योर ड्रीम्स, अपने सपनों को आप पीछा करिए। जो भी आप सपने देखते हैं उस सपने का पीछा करिए, आपका वो सपना धीरे धीरे हकीकत में बदलना शुरू हो जाएगा। आठवां रूल कहता है सुंदर पिचाई का हैव अ गुड मॉर्निंग रूटीन, आपका सुबह से लेकर शाम तक का एक प्लान्ड रूटीन होना चाहिए। जो भी आप करते हैं वो एक वेरी प्लान्ड वे में आप करिए, आप सक्सेस की तरफ अपने आप को अग्रसर पाएंगे। नौवें रूल की बात करते हैं डू व्हाट यू लव, इसमें क्या कहते हैं सुंदर पिचाई, आप वही कार्य करिए जो आप पसंद करते हैं। किसी के दबाव में आकर के आप कोई ऐसा कार्य न करिए जो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि जब तक वो कार्य आपको पसंद नहीं होगा आप उस कार्य में अपना 100% नहीं दे पाएंगे। इसलिए सुंदर पिचाई कहते हैं कि अगर आपको सक्सेस प्राप्त करनी है, सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको वही कार्य करना चाहिए जो आपको पसंद है। और लास्ट कहते हैं, जो लास्ट रूल है सुंदर पिचाई का, वो कहता है पुश योरसेल्फ, अपने आप को अपने कार्य के प्रति ढकेल दीजिए, यानी अपने आप को सेल्फ इंस्पायर करिए, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करिए। अगर आप ऐसा करते हैं, सेल्फ मोटिवेट करते हैं अपने आप को, सेल्फ अपने पुशअप हो जाते हैं, खुद को अपने कार्यों में ढकेल देते हैं, तो आप सफल हो जाते हैं। दोस्तों, ये 10 गोल्डन रूल्स थे सुंदर पिचाई के सक्सेस होने के, और ये 10 सक्सेस रूल्स अगर आप अपनी लाइफ में भी इनरोल करते हैं तो आप भी सफल हो जाएंगे। दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा इस पर अपने जरूरी फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें,
और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।